अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब लोग? और आज मैं यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन, मैंने आज चाइनीज़ राइस और मंचूरियन बना रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे आधा केजी चिकन, हाफ केजी मैंने चिकन लिया है, और इसमें आधा चम्मच मैं नमक का डालूंगी, नमक डाल रही हूँ। और काली मिर्च आधा चम्मच, लहसुन अदरक, लहसुन सिर्फ लहसुन एक चम्मच छोटा वाला, कुटी हुई लाल मिर्च एक चम्मच, और सोया सॉस डालूंगी इसमें। कॉर्नफ्लावर 3 से 4 चम्मच डालूंगी मैं कॉर्नफ्लावर के इसमें। और अब इसके अंदर मैं एक अंडा डालूंगी, ठीक हो गया, इसको मिक्स कर। दूसरी तरफ मैंने ना 2 कप, ये वाली 2 कटोरियाँ मैंने ना चावल की ली थी, भर के मतलब ऊपर तक ना, और उसको आधा घंटा मैंने भिगो के रखा था। और पानी भी यहाँ पे मैंने यहाँ पतीले में चढ़ा दिया, जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक का डाला था और 1 चम्मच ऑयल का। अब मैं इसके अंदर ये भीगे हुए चावल डाल रही हूँ। तेल भी गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया ना। तो अब ये जो है, ये हाफ के जी चिकन है, और इसको छोटी छोटी सी मैंने पीटने थी करवा ली थी। अब मैं इसको फ्राई कर दूँगी। चिकन यहाँ पे सारा फ्राई हो चुका है मेरा, 2 बैचेस में मैंने इसको फ्राई किया था ना। इसको तो साइड पे करते हैं और ग्रेवी बनाऊंगी अब मैं। ऑयल डालूंगी इसमें मैं, 2 चम्मच के करीब ग्रेवी बनाऊंगी मंचूरियन की। थोड़ा गर्म होएगा और इसके अंदर मैं डालती हूँ अदरक और लहसुन 1 चम्मच, लहसुन अदरक हो गया गोल्डन हो गया, मैं ये डालूंगी इसमें प्याज और शिमला मिर्च। इसमें थोड़ा सा ये हरा हरा प्याज भी डालूंगी, बाकी मैं अच्छा
जाएगा थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच सफेद नमक की जाएगी। और लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर जाएगा आधा चम्मच, अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन मैं कम मिर्च खाती हूँ इसलिए मैं थोड़ा कम डाल। एक मिनट दादा वहां से खोल दें, अभी मैं नहीं खोल सकती ना। अब इसमें मैं ना ये थोड़ा सा सोया सॉस, एक चम्मच डालूंगी सोया सॉस, और इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी आधी चम्मच, चीनी की चली जाएगी। थोड़ा सा मैं चिली सॉस भी डालूंगी इसमें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालें, वो मिर्चें वो ज़्यादा ना मसाला लगने लग जाता है, तो थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसके अंदर। इसको थोड़ा सा मैं ढक दूँगी मैं, क्योंकि ये हरी शिमला मिर्ची जो है ना वो फिर कच्चे कच्चे से रह जाती हैं, कच्चा पान सा इसके अंदर होता है ना थोड़ा सा, तो नहीं वो अच्छा लगता है। हल्की सी जो है अब मिक्स करूंगी अच्छी तरह इसको। क्या खाना है आपने राफिक, बताओ क्या? अब इसमें मैं ना केचप भी डालूंगी, केचप डालूंगी तकरीबन एक कप अंदाजे से डालूंगी, आधा या आधा कप या उससे थोड़ा सा बच जाएगा ना। इसको मिक्स करेंगे, अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, एक गिलास पानी का डालूंगी इसमें। पानी डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा पकेगा। उबाल आएगा फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लावर और ये जो पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर भर के मैंने ना थोड़ा सा पानी में इसको ना ऐसे मिक्स कर लिया है। अभी एंड में मैं ना थोड़ा सा डालूंगी गाढ़ा करने के लिए इसको ना, बस ये बनेगा। उसके बाद फिर मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी, बस ये बस बनने वाला करीब करीब ही है। एक उबाल आ जाए ना उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ये डालती हूँ, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दी, गाढ़ा हो रहा है, बस मैं इसको बंद कर दूँगी। बिल्कुल तैयार हो गया है चिकन मंचूरियन, तैयार हो गया। और मैं चावलों को बनता अब मैं इधर लहसुन अदरक डाल के अब मैं फ्राइड राइस बनाने लगी हूँ। राइस 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 फ्राइड राइस, अब इसमें मैं ये चॉप की हुई गाजर डाल दूँ। इसको सोते करूँगी मैं, तीन तीन गाजरें थी छोटी छोटी, उसको मैंने ना चॉपर में डाल के अच्छी तरह इसको मैंने वो अच्छी तरह था ना, छोटे छोटे से चम्मच भी हैं इसमें। और दूसरी तरफ मैं ये अंडे, दो अंडे बीट करके ना, तो नमक और काली मिर्च हल्की हल्की सी एक ही चुटकी नमक और काली मिर्च की डाल दी थी इसके अंदर। अब
अब इसमें ये रहा मेरा हरा प्याज, वो डाल दूँगी। उसके बाद मैं बंद गोभी चॉप करके रखूँगी। साथ ही इसके अंदर ये मैं क्रैम्बर डाल दूँगी। अब इसमें जाएगा नमक, देखते हैं स्वाद आने साथ भी कुछ जगह। थोड़ी सी काली मिर्च, फ्राइड राइस भी तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं ना डिश में डालूँगी। बिल्कुल बन चुके हैं सारी, मैंने चावल मिक्स कर दिए थे उसके अंदर।